मैं आपको इंडियन गेम के हिस्ट्री में से टॉप 5 ऐसे वर्स्ट गेम बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने सोची ना होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटे से स्क्रीन पे बड़ा वाला वार्निंग, इस वीडियो से मैं किसी भी गेम के प्रति हेट नहीं फैला रहा हूँ। और यहाँ पर गेम काफी ज्यादा वर्स्ट है, इसके मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि गेम के पास बजट की कमी हो या फिर मार्केटिंग की कमी हो, यानी कि एनीथिंग, उनके अपने रीजन वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 5 पे आते हैं इंडियन गैंगस्टर वाले गेम्स। उसमें से पहला है अर्जुन भाई द गैंगस्टर एंड ऑल्सो उसका जुड़वा भाई गुरु भाई द गैंगस्टर। इन दोनों ही गेम्स के अंदर ना ही ग्राफिक्स बढ़िया है, ना ही इसका गेम प्ले खेलने में मजा आता है, लेकिन हाँ स्टोरी काफी बढ़िया है। जो भी बोलता है ये हिंदी में बोलता है, जिससे कि हमको बहुत ही इजीली समझ पड़ता है, तो एक प्लस पॉइंट इसके लिए तो जाता है भाई इस गेम को। यानी कि ओवरऑल ये काफी बढ़िया गेम तो नहीं है ये, लेकिन काम चलाओ गेम जरूर है। मतलब कि इतना खराब भी नहीं है जितना कि सबसे वर्स्ट तो नंबर 1 पे जो गेम आएगा ना वो वाला होगा। बात करें इस वर्स्ट कैटेगरी के नंबर 4 पे आने वाले गेम का, तो उसका नाम तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा, फौजी गेम। अब इस गेम को कौन नहीं जानता होगा यार। 2020 के अराउंड ये गेम रिलीज हुआ था और इसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन ये फैल गई थी कि ये गेम पबजी जैसा होने वाला है। सब लोगों ने फौजी गेम से पबजी के लेवल की एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, लेकिन जब ये गेम रिलीज हुआ तब ना ही इसका गेम प्ले जो है पबजी जैसा था, ना ही इसके ग्राफिक्स बढ़िया थे, ना ही इसके कंट्रोल्स इतने इजी थे, या फिर कह सकते हो बहुत ही बकवास से लग रहे थे देखने में। यानी ओवरऑल गेम इतना पॉलिश वर्जन नहीं लग रहा था, ठीक है, मतलब कि गेम प्ले भी ना ही कुछ ऐसे लग ही रहा था कि अपना ये गेम है। और अक्षय कुमार ने इसके अनाउंसमेंट की थी तो भाई हाइप तो वैसे ही बड़ी पड़ी हुई थी, और हाइप के मुताबिक फिर अपना गेम प्ले डिलीवर नहीं कर पाए, तभी से ये गेम का जो फ्लॉप वर्स्ट होना वो स्टार्ट हो गया, और अभी भी ये गेम वर्स्ट कैटेगरी में ही आता है। लेकिन नंबर 3 पे जो गेम आता है ना वो इससे भी ज्यादा वर्स्ट गेम है, ठीक है। वैसे गाइस फौजी का अब नया वर्जन भी आ रहा है, फौजी डोमिनेशन, वो बहुत ही बेटर होने वाला है फौजी से। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 गेम की तरफ, जिसका नाम है गजनी द गेम। ये गेम मैंने 2008 के अंदर रिलीज हुआ था। ये एक थर्ड पर्सन एक्शन गेम है, और एक झक्का से बताओ क्या, ये गेम जो है ना एक बॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा गजनी नाम है फिल्म का। इस गेम की स्टोरी भी इसकी फिल्म की तरह ही है, यानी इस गेम का जो मेन कैरेक्टर है जो कि आमिर खान है, वो बेसिकली अपने प्रेमिका के मौत का बदला, यानी कि वही जो पिक्चर में किया था उसने वही इस गेम के अंदर भी हमको करना होगा। और अगर आपको पता ना हो तो इस गेम के अंदर हीरो को मेमोरी लॉस की बीमारी है, जिसकी वजह से वो चीजों को याद रखने के लिए टैटू और नोट्स वगैरह का सहारा लेता है। इस बेसिस से गेम के कुछ 5 स्टेज वगैरह होते हैं और कुछ हथियार वगैरह से हमें लड़ने होते हैं, और बीच बीच में कभी कभी स्टोरी मोड आता है जो कि काफी बढ़िया वॉइस ओवर से किया गया है। और ये गेम भी मूवी के साथ रिलीज हुई थी, बट ये गेम को रिलीज होने के बाद इस गेम के काफी उस टाइम पर मिक्स रिव्यू थे, कि किसी को पसंद भी आ रहा था, किसी को गेम पसंद नहीं भी आ रहा था। बट हम अगर अभी के टाइम पर देखो तो ये गेम किसी को पसंद नहीं है, अभी के टाइम पे गेम कोई भी नहीं खेलता है। वैसे हाँ ये एक पीसी वाला गेम था। आगे बढ़े हमारे नंबर 2 गेम की तरफ, जिसका नाम है क्रिस द गेम। अब ऑफ कोर्स ये भी एक बॉलीवुड फिल्म जो है ना उसका गेम था, लेकिन ये गेम जो है 2013 में रिलीज हुआ था। जैसा कि आप लोग नाम से पहचान गए होंगे, जो क्रिस हीरो था ना हमारा, क्रिस 3 का जो पिक्चर में जो हीरो था ना, क्रिस हीरो ऋतिक रोशन, उसी का कैरेक्टर इस गेम के अंदर हमको प्ले करना होता है। नंबर 2 और 3 वाले काफी बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, लेकिन 2 वाला ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि देखो ये गेम जो है ना एक 2D साइड स्क्रोलिंग एक्शन गेम है, और ये गेम एक तरीके से एंडलेस गेम आप बोल सकते हो, उस टाइप का है, सफे सफर और टेम्पल रन होते हैं ना उस टाइप के। और बेसिकली आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के ऊपर चढ़ना होता है, ऑब्जेक्टिव से बचना होता है, यानी बेसिकली थोड़ा पार्कोर टाइप का इसमें सीन होता है, थोड़ा उछल कूद टाइप का, जो क्रिस करता है ना ऐसे बिल्डिंग पे से उस बिल्डिंग पे चलाना और उस बिल्डिंग पे से उस बिल्डिंग पे चलाना, उस टाइप वाला। उस टाइम पर इस गेम के भी काफी मिक्स रिव्यू आ रहे थे, काफी लोगों को ये गेम बढ़िया भी लग रहा था, क्योंकि जो क्रिस के फैंस थे ना उनको मतलब कि क्रिस वाला गेम खेलने को मिला तो उनको ऑफकोर्स बात है बढ़िया लग रहा था, बट जो गेमर्स थे जो कि गेमिंग रोजाना किया करते थे उनको ये गेम ऐसा बढ़िया नहीं लग रहा था। बट इसका भी वही सीन, अभी के टाइम पर इस गेम को भी कोई प्ले करना पसंद नहीं करता है, ये गेम भी एक तरीके से वर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है। और फाइनली जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे नंबर 1 वर्स्ट गेम के बारे में जानने के लिए, तो उसका नाम है अग्नि द क्वीन ऑफ डार्कनेस। देखो जब मैं इस वर्स्ट गेम के बारे में रिसर्च कर रहा था तब गूगल को भी इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब जितना मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझको पता चला, ये बेसिकली एक बॉलीवुड शायद कोई मूवी वगैरह होगी अग्नि वग्नि नाम से, तो उसका बेसिकली एक गेम बनाया गया था जो कि आई थिंक ऑफ रिलीज अभी तक नहीं हुआ, और ये कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे गेम था। मतलब कि ना ही इसके ग्राफिक्स बढ़िया थे, ना ही इसका गेम प्ले बढ़िया था, ना ही इस गेम में कोई स्टोरी था, यानी ओवरऑल सब तरीके से गेम सबसे वर्स्ट सबसे घटिया गेम था यार ये वाला। मतलब एक गेम के अंदर जो भी होता है ना सब कुछ खराब था इस गेम के अंदर, एक भी चीज गेम का बढ़िया नहीं था। और थोड़े यूट्यूब वगैरह पे मुझे इस गेम के गेम प्ले वगैरह पे देखने को मिला, जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिए। और यूट्यूब पे मुझे इस गेम के बारे में ये वाला एक वीडियो भी मिला, जिसमें कि हीरोइन डांस कर रही है और पीछे उसका गेम प्ले चल रहा है। आपको पता है ये वीडियो 13 साल पुराना वीडियो है, मतलब 13 साल पुराना है गेम, 2009 में ऐसा ये गेम रिलीज हुआ था। वैसे मुझे फाइनल पता नहीं गेम रिलीज भी हुआ था कि नहीं, कि ओनली फॉर क्या रिलीज की बात ही चली थी, लेकिन थोड़े बहुत गेम प्ले वगैरह मेरे को दिखे यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो यही था नंबर 1 पे जो वर्स्ट गेम आता है वो। तो आज का आपको ये यूनिक वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और आप भी चाहते हो मैं ऐसे इंडियन गेम के हिस्ट्री के बारे में ऐसे गेम स्टूडेंट कर लाऊं और आपको बता दे रहा हूँ, मतलब कि वर्स्ट गेम नहीं बेस्ट गेम भी होते
हैं इंडियन गेम की हिस्ट्री में, वो सब गेम्स की बात कर रहा हूँ। तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। ऑल्सो गाइस डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।